कुरुक्षेत्र के सत्य साई सेवा संगठन द्वारा आजकल भजन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई प्रतिभावान कलाकार भाग ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र के संगठन जिला अध्यक्ष ने बताया कि कुरुक्षेत्र का भजन प्रशिक्षण शिविर 1 से 15 अगस्त तक आंध्र प्रदेश में प्रस्तुतियां देने जाने वाली हरियाणा की टीम के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सत्य साई सेवा संगठन की विश्व के 170 देशों में शाखाएं हैं। देश के विख्यात क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी सत्य साई बाबा के उपासक हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र के सत्य साई सेवा संगठन के निर्माणधीन प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया जाना है, जिसमें क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की भी भाग लेने की संभावना है। संगठन द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रमों के अलावा समाज सेवा के भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र केंद्र में मुफ्त कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर, मुफ्त चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। आज का जो हमारा जो कार्यक्रम है, ये हमारी भजन ट्रेनिंग कैंप है श्री सत्य साई सेवा संगठन, जिसका कि विस्तार पूरे वर्ल्ड के अंदर 170 से ज़्यादा देशों के अंदर है। उसमें हरियाणा स्टेट का जो हमारी जो प्रशांति सेवा होती है उटापर्ती स्टेट आंध्र प्रदेश में, हरियाणा स्टेट की 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सेवा होती है, और उसके उपलक्ष्य में हमारा 2 दिन का वहाँ पर भजन का प्रोग्राम होता है। तो उससे पहले हमारी ये कोशिश रहती है कि जिस वजह से हमारी संस्था जानी जाती है कि ताकि हम अच्छे से अच्छा भजन प्रशांति के अंदर वहाँ पे हम प्रस्तुत कर सकें, उसके उपलक्ष्य में हमारी ये सेवा है। आज भजन संध्या नहीं है, आज ये हमारी एक प्रकार की भजन की ट्रेनिंग है। हमारी जो भजन संध्या होती है हर वीरवार को, हमारे जितने भी साई सेंटर ऑल ओवर वर्ल्ड बने हुए हैं, शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होती है। और मैं आपको बता दूँ, जो हमारा जो ये संगठन है ये भजन तक ही सीमित नहीं है, इस संगठन ये हमारे सेवा के काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा जो ये साई सेंटर यानी कि निर्माणाधीन है, तकरीबन बन करके पूर्ण हो चुका है, और सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर इसका इनॉग्रेशन होगा, जिसके अंदर कि हमारे संस्था के जो सेंट्रल ट्रस्टी हैं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, और पूरे देश से डेवोटी और जो पदाधिकारी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। और हमारा अनुमान है कि कम से कम 5,000 से ज़्यादा व्यक्ति इसके अंदर आएंगे। और एक उल्लेखनीय बात मैं बता देना चाहता हूँ कि श्री सचिन तेंदुलकर जी, जो एक इस देश के महान क्रिकेटर हैं, वो सत्य साई बाबा के एक डेवोटी रहे हैं, बड़े अच्छे फॉलोअर हैं, हमने उनको भी आमंत्रित किया है और उम्मीद है कि वो भी आएंगे। जहाँ तक अगर मैं सेंटर की बात करूँ, यहाँ पर हमने स्टेट लेवल का, पूरे हरियाणा स्टेट का प्राकृतिक आपदा का, डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ पे कोर्स शुरू हम करने को जा रहे हैं। सिलाई सेंटर यहाँ पर होगा, फ्री डिस्पेंसरी होगी, और इसके साथ साथ फ्री मेडिकल फैसिलिटी, जो कि रूरल एरिया के अंदर हफ्ते में 5 दिन तकरीबन 4 घंटे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट ये संस्था वहन करेगी, जिससे भी किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मतलब सिलाई सेंटर के बारे में बता चुका हूँ, कंप्यूटर सेंटर है, डिस्पेंसरी है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम ये हमारी जो संस्था है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आयोजित करती है।